ज़रूर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं रंजना अपने चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। मेरा ब्लॉग कोई मत देखो मैं। तो अभी सारा काम हो गया है, चल रहे हैं खाना बनाने। तो खाने में क्या बनाएंगे तो आप लोग से शेयर करूँगी, और नाश्ते में क्या बनाऊँगी वो भी मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो चलिए पहले फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने पट्टी नहीं बेला है, मुझे पट्टी बेलना है। अभी चाय भी नहीं पिया आज, मैंने कुछ भी काम नहीं किया। मैंने सोचा पहले ब्लॉग चालू कर लेते हैं, उसके बाद मैं सारा काम करूँगी। तो चलिए फिर सारा काम करने के बाद मिलते हैं आप लोग को। तो फ्रेंड्स, खाना तो हमने बना लिया है, तो मैं सोच रही हूँ आज मैंने कच्चा चना भी गाया है, तो मैं उसका कोई रेसिपी आप लोग से शेयर करूँगी। तो वो भी बहुत झटपट वाली रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चने को भिगा लिया था, तो इसे रात भर के लिए भिगाया था, आप देख सकते हैं। तो इसे हम पलटी कर देंगे। इसे मैंने पलटी कर दी है, इसका पानी भी गिरा लेते हैं। तो यहाँ पे डाल देते हैं हरा मिर्चा। तो थोड़ा मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा तीखा बना रही हूँ, स्पाइसी बनाऊँगी। और यहाँ पे है लहसुन, और थोड़ा सा डाल देते हैं अदरक कटा हुआ। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। तो ये सारी चीज़ें डाल के फिर हमें इसका बनाना है पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया, तो इसे हमें सूखा ही पीसना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है अभी। तो चलिए फिर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हल्का दरदरा हो गया है, तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं। और फिर मैं इसमें डाल दूंगी मैदा। तो ये अगर आपके पास मैदा नहीं है, चावल का आटा भी डाल सकते हैं, या तो गेहूं का आटा भी डाल के बना सकते हैं। तो मैं यहाँ मैदे से बना रही हूँ, तो इसमें और पानी डाल देंगे। तो जितना आपको बनाना है आप उतने ही हिसाब से इसमें पानी ऐड करना। तो चलिए फिर इसे पीस लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया है पतला सा, तो इसे भी हम पलट देते हैं। तो सारे यहाँ पे मैंने पलट दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारा मैंने पलटी कर दिया है, तो आप लोग पेस्ट इसका देख सकते हैं। तो ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा थिक भी नहीं है, तो हमें इसी तरीके से रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं, तो इसमें हम डाल देंगे सारे पाउडर वाले मसाले। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मिर्चा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देते हैं। और फिर इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। सारी चीज़ों को हम अच्छे से इसे फेंट लेंगे, जितना आप फेंटेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ फेंटने से ही जो नाश्ता है वो हमारा अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। तो इसे मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी, ताकि मसाला इसमें अच्छी तरीके से वो हो जाए, एकदम मिल जाए। तो इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर पैन को मैंने रख दिया है, गैस को ऑन कर लेते हैं और पैन को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैं इस पर तेल डाल देती हूँ। तो तेल में एक ही बार ही इस पर लगाती हूँ पैन पे, फिर मैं जो नाश्ता बनाती हूँ उसी पे लगाती हूँ, फिर पैन पे नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये नॉनस्टिक है तो इसमें तेल बहुत कम लगता है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो दाल वाला कलछुल आता है, उससे एक एक कलछुल इस पर डाल देंगे और इसे इस तरीके से फैला देंगे हल्के हाथ से। तो ये मैंने बनाया है चना, जो कच्चा चना आता है उससे मैंने बनाया है डोसा। तो ये आप चटनी से भी खा सकते हैं, या तो वैसे भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो चलिए फिर इसे एक तरफ लाल कर लेते हैं अच्छे से, फिर इसे हम पलट देंगे। तो यहाँ पे मैं जो तेल साइड साइड का है वो थोड़ा मैं जो डोसा है उस पर कर दे रही हूँ।
तो इसे आप डोसा भी कह सकते हैं, चीला भी कह सकते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं, मतलब गांव में ना इसे उल्टा कहते हैं। तो इसे पलट देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से पलटा भी किया है, बिल्कुल भी नहीं चिपका। और इसी तरीके से हम ऊपर हल्का सा तेल लगा देंगे। तो इसे हमें अच्छे से अलट पलट के, मतलब दोनों ही तरफ अच्छे से पकाना है। और गैस को पहले हम तेज़ कर देंगे, उसके बाद धीमी कर देंगे, क्योंकि ये कच्चा चना था ना, तो फिर नहीं पक पाएगा, तो वो पेट में जाके पैन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। तो इसीलिए इसे मैं अच्छे से दोनों तरफ ही पलट पलट के पका लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से इसे मैंने दोनों तरफ से पका लिया है। तो आप लोग ने देखा मैंने कितने टाइम तक इसे पलट पलट के पकाया। तो पहला हमारा जो रेडी हो गया है, तो इसे मैं रख दिया है, तो यहाँ पे दूसरा वाला बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग ने देखा मैंने बहुत टाइम तक उसे पकाया है, तो चना है नहीं तो फिर वो कच्चा रह जाएगा। तो आप धीमी आँच पर इसे अच्छे से पका लेना, इसी तरीके से पलट पलट के। चलिए फिर यहाँ पे ये वाला भी हो गया है, तो इसे पलट देते हैं। हमारा बन के रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है, तो कितना झटपट बना है। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चे लोग को भी बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो अभी टाइम शाम हो चुका है, तो मैं आप लोग से शाम को ही मिल रही हूँ सीधा।
तो यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे हैं, वही मैं देख रही हूँ। यहाँ पे अच्छा लगता है, इतनी टाइम धूप नहीं रहता है और बच्चे लोग सारे खेलते रहते हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पे हूँ क्योंकि हवा नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा गर्मी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सोनम आज चाय बना रही है, तो उसके हाथ की चाय आप लोग देखिए कैसे वो बनाती है। तो यहाँ पे इसने चाय पत्ती डाला है, अदरक डाला है और फिर चीनी डाल दिया है। यहाँ पे कितना अच्छे से इसने चाय बनाया है, आप लोग कलर इसका देख सकते हैं कितना अच्छा आया है कलर। तो आइए आप लोग पी लीजिए उसके हाथ का चाय। तो यहाँ पे सोनम अपना चेहरा ही नहीं दिखाया है, और उसने कब वीडियो बनाया मुझे पता ही नहीं चला मोबाइल लेके। यहाँ पे चाय अच्छा लग रहा है देखने में भी, और चाय पीने में भी बहुत टेस्टी था इसके हाथ का। ये वैसे बनाती नहीं है जल्दी, लेकिन बनाती तो बहुत ही अच्छा चाय बनाती है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहे थे बच्चे लोग की उद्घाटन है, जो पहले इसमें आए थे रेंट पे रहने वाले, उनको कोई जॉब मिल गई तो यहाँ पे से खाली करके चले गए थे। तो यहाँ पे दूसरे लोग शिफ्ट हुए हैं, वही काम है, वही सेम जो खोला था वही चीज़ है इसमें भी। तो यहाँ पे आज उद्घाटन है और यहाँ पे अभी काम चालू ही है, तो सब ने कहा कि अब वो लग जाएगा ना, और जो खरवास होता है वो लग जाएगा, तो इसीलिए इन्होंने आजीवन अपना जो उद्घाटन होता है वो कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं सेम एकदम सेम है, उनको जॉब लगने के लिए ना थे खाली कर दिया, फिर यहाँ पे दूसरे लोग आ गए हैं रेंट पर रहने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से मतलब बलून्स लगाया गया है यहाँ पे। तो सेम सारी चीज़ें वही होने वाली है, जो पहले इसमें रेंट पर रहते थे वो करते थे वही चीज़ें ये भी करेंगे एकदम सेम। वही ऑनलाइन वाला काम है मोबाइल द्वारा, वही सारे काम यहाँ पे होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेवी हमने बना लिया है, यहाँ पे अंडा आ गया है, तो इसका इसमें डाल देंगे। कोमल बर्तन धो रही है रात के, तो चलिए फिर फटाफट बना लेते हैं। इस ब्लॉग पे यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट करना, सब्सक्राइब करना, तो लाइक जरूर करना। चलिए फिर फटाफट हम खाना बना लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ, नए ब्लॉग में।